भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना गांव की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। बरेली के बिथरी चैनपुर विकासखंड के गांव तैयतपुर में 6 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने मिलकर इंटरलॉकिंग ईंट और कंक्रीट पोल बनाकर गांव के विकास में भागीदारी की है। स्वयं सहायता समूह में 30 से अधिक महिलाएं इंटरलॉकिंग ईंटों का निर्माण कर रही हैं। यहां से तैयार इंटरलॉकिंग ये ईंटें गांवों की सड़कों के निर्माण में काम आ रही हैं। इंटरलॉकिंग ब्लॉक बनाने वाली महिलाओं का कहना है कि हमें गांव में रहकर ही रोजगार का साधन मिला, इससे उनके परिवार के भरण पोषण का वो सहारा बन गया है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की NRLM योजना से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो NRLM मिशन है, जिसका हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारी महिलाएं जो आत्मनिर्भर नहीं है, जो कम पढ़ी लिखी हैं या फिर जिनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, उनको ऐसे समूहों से सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना है और उसके बाद में उनमें किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का वो बिजनेस या फिर छोटा कोई ऐसा काम काज स्टार्ट कर सके जिनसे ना सिर्फ उनकी आमदनी हो बल्कि वो अपना जीवन सुधार पाए और अपने बच्चों का एवं अपने परिवार का और भविष्य रोशन कर सकें। जैसा कि बिथरी चैनपुर में हमारा एक स्वयं सहायता समूह है जो इंटरलॉकिंग जो ईंट होती है उसका निर्माण करती है, उसकी एक जो मशीन है वो उन्होंने खरीदी हुई है और उसके बाद में उसकी लागत औसतन 6 से 6.5 रुपए प्रति ईंट आती है और जिसको मार्केट में वो आराम से बेचती हैं और उसके बाद में मुनाफा कमाकर वो और अधिक से अधिक ईंटों का प्रोडक्शन कर रही हैं। यहाँ पे जो काम हो रहा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से विकासखंड बिथरी चैनपुर का एक ग्राम पंचायत तैयतपुर है, यहाँ पे एक सुप्रेरणा ग्राम संगठन है, उसके माध्यम से 6 समूहों का जो CIF का फंड था उसको कलेक्ट करके लोगों ने 4 लाख रुपए लगभग लगा के इस काम को शुरू किया था, जिसमें हमारी 6 समूह की लगभग 30 से 35 समूह की दीदियां हैं वो काम को कर रही हैं, अच्छे से निभा रही हैं काम को। इन पर ईंटे पाथ रहे हैं, सीमेंट वाली अपने घर का देखो, अपने बच्चे पाल रहे हैंगे, ईंटे बन जाती हैं 8-9 से 2 रुपए मिल जाते रोज। सर मेरा नाम लक्ष्मी पटेल है और ये इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा है और इसमें 6 समूह कार्य कर रहे हैं, 6 समूह की महिलाएं 30-35 औरतें हैं जो काम कर रही हैं, उनको सही इनकम मिल रही है, 100-150-200 रुपए तक उनकी मतलब कार्य सही चल रहा है उनका।